ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मजे में है? ठीक, yes, पाउडर्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे ना, फार्मास्यूटिकल पाउडर्स को। क्या पीछे ध्यान से समझना, पीछे। अब पाउडर्स में डिफरेंट हमने चीज़ों को पढ़ा, एक कैटेगरी ऑफ पाउडर्स पढ़ा, क्लासिफिकेशंस पढ़ा। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसलिए है कि वाइवा में ये पूछा जा सकता है और अलग से इनके क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक पाउडर क्या है, डिलिक्विसेंट पाउडर क्या है और आपका एफ्लोरोसेंट पाउडर क्या है, एफरवेसेंट पाउडर, यूटेक्टिक मिक्सर्स या यूटेक्टिक पाउडर्स क्या है और जियोमेट्रिक डाइल्यूशन क्या होता है। तो जियोमेट्रिक डाइल्यूशन के ऊपर शॉर्ट नोट्स आ जाता है, यूटेक्टिक मिक्सर्स के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है, एफरवेसेंट पाउडर के ऊपर शॉर्ट नोट्स, मतलब अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं और ये बहुत शॉर्ट में कंबाइन पूछे जा सकते हैं, तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है। तो जब हम पाउडर्स को पढ़ते हैं तो हमने पाउडर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो एक कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन भी हम बता सकते हैं। कई बार ये आता है प्रॉब्लम इन पाउडर, तो प्रॉब्लम्स इन पाउडर में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं हम, और पाउडर में एक्स्ट्रा आपको बताना तो इन चीज़ों को बता सकते हैं। तो हम समझते हैं सबसे पहले हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। पाउडर हमको मालूम है क्या होता है, पाउडर ओल्डेस्ट डोजेस फॉर्म है और आपका फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं इन अ ड्राई फॉर्म। तो जब हम बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिक की, तो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर को आपको कैसे डिफाइन करना है, पाउडर्स दैट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है ना, बट डू नॉट लिक्विफाई। मतलब हाइग्रोस्कोपिक पाउडर ऐसे पाउडर्स होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन लिक्विफाई नहीं होते हैं, दे फॉर्म द पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी, आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। समझ में आया? हाइग्रोस्कोपिक पाउडर क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, दीज पाउडर एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन क्या है, बट डू नॉट लिक्विफाई, बट लिक्विफाई नहीं होते एब्जॉर्ब करने के बाद में, और ये क्या होते हैं, फॉर्म पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी। ये कैसी कंसिस्टेंसी बना लेते हैं, पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी बना लेते हैं, ऐसे पाउडर को हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। क्लियर सभी को? हाइग्रोस्कोपिक पाउडर आर द पाउडर्स दैट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरमेंट बट डू नॉट लिक्विफाई एंड फॉर्म पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी, ये उसकी हो गई डेफिनेशन। फिर कुछ एग्जाम्पल हम इसमें बता दें कि आपका हाइग्रोस्कोपिक पाउडर के एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो आपके जो हैलाइड सॉल्ट्स होते हैं, हैलाइड सॉल्ट्स मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, इस तरीके के जो सॉल्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी बना लेते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। फिर उसके बाद में डीलिक्विसेंट पाउडर क्या है, डीलिक्विसेंट पाउडर भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को और इतना एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को कि पूरा लिक्विफाई होके सॉल्यूशन बना लेते हैं। आ रहा समझ में? मतलब इतना लिक्विफाई हो जाते हैं कि वो पूरा का पूरा सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, पूरे के पूरे लिक्विफाई हो जाते हैं। तो डीलिक्विसेंट पाउडर्स आर द पाउडर्स दैट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड लिक्विफाई एंड फॉर्म सॉल्यूशन। क्या होते हैं ये, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एनवायरमेंट एंड गेट लिक्विफाइड। क्या हो जाते हैं, लिक्विफाइड हो जाते हैं। जैसे ये है तो आप चाहें तो बता भी सकते हैं, पाउडर है आपका, ये एनवायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ये सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मोस्टली इसमें क्या होते हैं, आपके एंजाइम्स होते हैं जो आपके क्या करते हैं, एनवायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब करके, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लिक्विफाई हो जाते हैं, एंजाइम्स इसमें ज्यादातर आ जाते हैं, आपका पेप्सिन। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है एफ्लोरोसेंट पाउडर। कौन सा, एफ्लोरोसेंट पाउडर। एफ्लोरोसेंट पाउडर नेम इंडिकेट कर रहा, फ्लोरोसेंट से ध्यान मत रखना, फ्लोरोसेंट जैसा एफ्लोरोसेंट पाउडर, इनको हम स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड मतलब लिक्विड के स्यूडो सॉलिड, और इनको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। अब एफ्लोरोसेंट पाउडर क्या होता है आप समझ लें, कभी आपने देखा होगा कोई सॉल्ट का फॉर्मूला लिखा रहता है और उसके साइड में लिखा रहता है 2H2O, 5H2O लिखा रहता है, एलम हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, एट्रोपिन सल्फेट हो गया,
कई तरीके के ऐसे सब्सटेंस होते हैं, सॉल्ट होते हैं, जिनमें फॉर्मूला लिखा रहता है और फॉर्मूला के बाद में इस तरीके से वाटर लिखा रहता है उसके बाजू में। देखा है या नहीं? Yes. नहीं देखा होगा तो ऐसा होता है। मान लो कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनमें वाटर होता है, लेकिन वो किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, जिसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट या तो हाइड्रस सॉल्ट। तो एफ्लोरोसेंट पाउडर आर दोज पाउडर दैट हैव सॉल्वेंट इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म इन देम, जिनमें क्या है, सॉल्वेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहां तो इनने क्या किया, मॉइस्चर एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब किया, लेकिन एफ्लोरोसेंट पाउडर ऐसे पाउडर्स होते हैं जिनमें मॉइस्चर ऑलरेडी, मतलब सॉल्वेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है उनमें, लेकिन वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? या क्रिस्टलाइज्ड वाटर बोल सकते हैं, या क्रिस्टलाइज्ड सॉल्वेंट बोल सकते हैं। आया समझ में? तो क्या होता है, जब कभी हम इनको हीट करते हैं, इनको जब हम हीट करते हैं तो ये क्या करते हैं, ऑन हीटिंग और इंक्रीजिंग टेम्परेचर दे लिबरेट वाटर। वाटर को क्या करते हैं, वो लिबरेट कर देते हैं, मतलब रिलीज कर देते हैं अपने में से, अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म में से, जो वाटर उनमें अभी क्रिस्टलाइन फॉर्म में है उसको रिलीज कर देते हैं। अब ये रिलीज कर देंगे वाटर को, लिबरेट कर देंगे, रिलीज कर देंगे वाटर को, तो आपका पाउडर कैसा हो जाएगा? लिक्विफाई हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? तो इस तरीके के पाउडर्स को हम क्या बोलते हैं, एफ्लोरोसेंट पाउडर। तो डिफरेंस देखें, इसलिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी दी हुई है, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, डीलिक्विसेंट पाउडर और एफ्लोरोसेंट पाउडर। क्या हाइग्रोस्कोपिक, इन वोकैब्स को आपको याद रखना है थोड़ा सा, जो आपके पास में जो टफ टास्क है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द वोकैब। पाउडर्स हम समझ चुके, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर समझ चुके, लेकिन पाउडर्स में फार्मेसी में कुछ कैटेगरी ऐसी है जिनकी टर्मिनोलॉजी हमको पता होना चाहिए और उनका मीनिंग क्या है ये पता होना चाहिए और उनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या एग्जांपल आ जाता है आपका एफ्लोरोसेंट में, एलम हो गया आपका, एलम मतलब फिटकरी जिसको आप बोलते हैं, फिर आपका एट्रोपिन सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। तो आपको क्या बताना है कि दीज आर सम सॉल्ट्स कंटेन वाटर इन अ क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म, व्हेन दे आर हीटेड, जब उनको हीट करते हैं तो दे लिबरेट वाटर फ्रॉम देम, उनमें से वो वाटर को लिबरेट करते हैं एंड गेट लिक्विफाइड। सो दीज सॉल्ट्स एंड दीज पाउडर्स आर कॉल्ड एफ्लोरोसेंट पाउडर। समझ में आया? इज देयर एनी डाउट? फिर से समझ लें, तीन कैटेगरी पाउडर को ऐसा डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। सबसे पहला है आपका हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। क्या हाइग्रोस्कोपिक पाउडर? ऐसे पाउडर्स होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर से, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद में लिक्विफाई नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी बना लेते हैं। ऐसे हम पाउडर्स को क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। और एग्जाम्पल में आपके हैलाइड सॉल्ट्स आ जाएंगे, जैसे सोडियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड। ये फिर हम बात करते हैं डीलिक्विसेंट पाउडर। डीलिक्विसेंट पाउडर क्या है, जैसे हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होते हैं वैसे ही डीलिक्विसेंट पाउडर होते हैं। ये भी क्या करते हैं, डीलिक्विसेंट पाउडर एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एनवायरमेंट एंड दे गेट लिक्विफाइड टोटली, वो पूरे के पूरे लिक्विफाइड हो जाते हैं और सॉल्यूशन बना लेते हैं। ऐसे पाउडर्स को हम बोलते हैं डीलिक्विसेंट पाउडर। एग्जाम्पल आपका क्या आ जाएगा, एंजाइम्स। फिर एफ्लोरोसेंट पाउडर क्या है, ऐसे पाउडर्स दैट कंटेन वाटर इन क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म इन देम, अपने आप में वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में वाटर को कंटेंट करते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। व्हेन हीट इज गिवन टू देम, जब उनको हीट हम करते हैं तो वो उस क्रिस्टल को क्या करते हैं, लिक्विफाई कर देते हैं, लिबरेट कर देते हैं उस क्रिस्टल को, इसको हम बोलते हैं एफ्लोरोसेंट पाउडर। क्लियर? हमने डेफिनेशन बता दी, एग्जाम्पल बता दिए, दो पॉइंट हो गए। अब इनके लिए हमारे पास में रेमेडी क्या है, मतलब समाधान क्या है हमारे पास में, इन पाउडर्स के लिए रेमेडी क्या है। तो इस तरीके से हमारा आंसर अच्छा तैयार हो जाता है जब हम इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं कि इनको बताना कैसे। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, उसकी डेफिनेशन हमने बता दी, पाउडर्स क्या होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिए, रेमेडी क्या है, इसके लिए समाधान क्या है। जब यदि पाउडर आपका हाइग्रोस्कोपिक है तो हम उस केस में कर क्या सकते हैं, तो हाइग्रोस्कोपिक में लिखना, और डीलिक्विसेंट के लिए भी ये बात लागू होती है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, ग्रेन्यूल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना।
दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू द ग्रैन्यूलर फॉर्म, मतलब उनके हम पाउडर्स फॉर्म में ना रख के उनको ग्रैन्यूल्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। अब ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं समझ लो, ये आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिक्स में एक तरीके के एक सीब होती है जिसको हम सीब्स बोलते हैं, है ना, जिनमें क्या होता है पोर्स होते हैं, है ना, इनके अलग अलग नंबर होते हैं पोर साइज, जिससे हमको यूनिफॉर्म ग्रैन्यूल्स मिल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन पाउडर्स की स्लरी बनाते हैं या पेस्ट लाइक उसको बनाते हैं, कोहेरेंट मास उसको बोलते हैं, आटे जैसा उसको बनाते हैं और उसमें से ऐसे पास कर देते हैं जैसे बूंदी निकालते हैं ना वैसे। तो इन पाउडर्स के क्या बन जाते हैं, ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं। तो पाउडर्स फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स हैं, तो पाउडर से जब कोई चीज़ ग्रैन्यूल्स बन जाएगी, जैसे 20 पार्टिकल्स 50 पार्टिकल्स एक ग्रैन्यूल बना लिया मिलके, तो क्या हुआ, सरफेस एरिया उसका कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो एनवायरनमेंट से कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा, एनवायरनमेंट से कॉन्टैक्ट कम, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर कम। आ रहा समझ में, जैसे छोटा बच्चा जब घर से भागता है तो उसको घर में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे कि वो हाँ बाहरी एनवायरनमेंट से कॉन्टैक्ट ना करे और बिगड़े ना, तो ये उसका रीजन है। अब मैंने जो चीजें बताई आपको ग्रैन्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, मैं इसी बात को आप थ्योरी में एग्जाम में बता सकते हैं कि ग्रैन्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। हाँ, बायो वाले चले जाएं। फिर उसके बाद में पैकेजिंग उनकी, इनको हम क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं उनको, ठीक, दे कैन बी, हाँ चले जाओ यहीं से, दे कैन बी पैक्ड इनटू द प्लास्टिक और एल्यूमिनियम फॉइल्स, प्लास्टिक कंटेनर में या तो एल्यूमिनियम फॉइल में हम उसको पैक करें। और प्लास्टिक कंटेनर जो कि क्या हो, एयर टाइट हो, कैसा हो, एयर टाइट। डोर बंद कर देना, तो क्या हुआ, सेकंड, फर्स्ट हमने क्या किया, ग्रैन्यूलर फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर दिया। ग्रैन्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या हुआ, सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम होने से एनवायरनमेंट से कांटेक्ट कम हो गया, एनवायरनमेंट से कांटेक्ट कम होने के कारण मॉइस्चर को एब्जॉर्प्शन जो हो रहा था वो कम हो गया, एक लिमिटेड हो गया। सेकेंड हमने क्या किया, दिस शुड बी पैक्ड, है ना, ये जो हम कभी इस तरीके की जब चीज़ें बताते हैं तो शुड वाली ग्रामर परफेक्ट होती है, दिस शुड बी पैक्ड या पाउडर शुड बी पैक्ड, कौन सी ग्रामर बताना है, शुड के साथ में लगा दो बी और उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म कि जो भी कर रहे हैं हम, तो पाउडर शुड बी पैक्ड, पाउडर पैक किया जाना चाहिए, है ना, पाउडर शुड बी पैक्ड इन एल्यूमिनियम फॉइल और प्लास्टिक कंटेनर विद एयर टाइट, मतलब एयर टाइट कंटेनर उसको बोल सकते हैं, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं एयर टाइट, दिस शुड बी पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर मतलब एयर की एंट्री ना हो। फिर एक और हम इनमें काम कर सकते हैं, एडिशन ऑफ एडजॉर्बेंट, एडिशन ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट क्या होते हैं, ये एक तरीके से हम बोले इनका कवच का काम करते हैं। एडजॉर्बेंट क्या होते हैं, हाँ जैसे फिल्मों में होता है ना, गोली मारते हैं हीरो को, कोई एंट्री मारता अलग से और वह खुद गोली खा लेता है, तो एडजॉर्बेंट उसी तरीके का काम करते हैं। पानी आ रहा है तो उसके ऊपर तो बोलते हैं तेरे ऊपर नहीं आएगा, मैं अपने ऊपर ले लूंगा, और इनको कुछ नहीं होता है, तो ये क्या कहलाते हैं, एडिशन ऑफ एडजॉर्बेंट, एडिशन ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपके जो इन पाउडर्स हैं उनको मॉइस्चर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होने देते हैं, जिससे वो समस्या नहीं होती है, तो एडिशन ऑफ एडजॉर्बेंट हम कर सकते हैं। फिर फोर्थ, इनको जब हम यदि पेपर में भी रखते हैं तो डबल रैपिंग करके रखें, ठीक है ना, दिस वुड बी रैप्ड इन अ डबल पैकिंग, डबल रैप्ड पैकिंग, जिससे मॉइस्चर इजीली ना जाए, ठीक, डबल रैप्ड पैकिंग, क्लियर। तो देखो कितने आपके पास में रेमेडी हो गई, ग्रैन्यूलर फॉर्म में पैक उनको करें एल्यूमिनियम फॉइल में या प्लास्टिक कंटेनर में, एडिशन ऑफ एडजॉर्बेंट और डबल रैप्ड पैकिंग यदि हम उसकी करेंगे तो ये हम इनसे जो है जो इसकी समस्या है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। ये आपका एफर्वेसेंट पाउडर में भी लागू हो जाएगा। और एक और हम कर सकते हैं, यदि पाउडर ऐसे हैं तो उनको हम सेपरेटली पैक रखें, यदि चांसेस ऑफ ये है तो उसको सेपरेटली पैक रखें, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। हाँ, एफ्लोरोसेंट में ये सारे तो आपको बताना है, इसमें एक चीज़ और आपको बताना है और एक चीज़ आपको सीखना भी है। जैसे हमने बोला
कि एफ्लोरोसेंट पाउडर है, एफ्लोरोसेंट पाउडर में, जो कि एक तरीके के स्यूडो सॉलिड तो है लेकिन स्यूडो है। स्यूडो किसको बोलते हैं? जो दिख रहा है लेकिन एग्जैक्टली है नहीं। स्यूडो किसको बोलते हैं? हाँ, मतलब भ्रम को बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। कि इसमें वाटर H2O है, तो जनरली H2O कैसा दिखता है हमको? लिक्विफाई। लेकिन H2O अभी आपको ये जो दिख रहा है कॉपर सल्फेट, वो क्रिस्टल दिख रहा है उसके, जैसे नमक सॉल्ट होता है वैसे क्रिस्टल दिख रहा है, लेकिन उसमें H2O है, तो सॉलिड नहीं है वो। सॉलिड दिख रहा है लेकिन स्यूडो सॉलिड है, क्योंकि उसमें वाटर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, लेकिन जब इन सॉल्ट्स को हीट किया जाता है तो वाटर लिबरेट हो जाता है, उसमें से रिलीज हो जाता है, और आपका मिक्सचर रिएक्शन मिक्सचर क्या होता है? लिक्विफाई हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इस तरीके का क्या होता है, इस तरीके के सॉल्ट्स को हम बोलते हैं हाइड्रस। क्या बोलते हैं? हाइड्रस सॉल्ट। तो इन केस हम यहां पर यदि ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें एनहाइड्रस सॉल्ट का यूज कर सकते हैं। किसका? एनहाइड्रस सॉल्ट्स क्या होते हैं? दैट डू नॉट कंटेन वाटर इन देम। सॉल्ट के ऐसे टाइप भी होते हैं जिनमें H2O हैज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म में, या उसका एनहाइड्रस फॉर्म है, तो हम एनहाइड्रस फॉर्म यूज करें। आगे समझ में कोई डाउट? तो एक और रेमेडी हो गई, एनहाइड्रस सॉल्ट हम यूज कर सकते हैं। तो अब आप लोग बताएं, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर क्या होता है? हाँ, क्या होते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर और डू नॉट लिक्विफाई बट फॉर्म द पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी। और डीलिक्विसेंट पाउडर क्या होते हैं? दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड गेट लिक्विफाइड। ठीक। और एफ्लोरोसेंट पाउडर क्या है? चलो ठीक। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं यूटेक्टिक एफरवेसेंट पाउडर। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है एफरवेसेंट पाउडर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फ्रॉम द फर्स्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फाइनल ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और एफरवेसेंट पाउडर तो कई बार 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, राइट नोट्स ऑन एफरवेसेंट पाउडर। अब 7 मार्क्स में क्या लिखें? 7 मार्क्स में हम एफरवेसेंट पाउडर में क्या बताएं? तो सबसे पहले हम समझते हैं एफरवेसेंट पाउडर क्या होते हैं। एफरवेसेंस का मतलब होता है जो पानी के कांटेक्ट में आने पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे, बुलबुले जैसे रिलीज होते हैं ना। आपने देखा होगा इनो को यदि पानी में डालते हैं तो क्या होता है? बुलबुले निकलते हैं ना। इस तरीके से डिस्प्रिन को पानी में डालते हैं तो क्या होता है? घुल जाती है, मतलब आराम से घुलती है क्या? कि नौटंकी करते हुए आग बबूला हो गई हो जैसे, वो है ना एकदम ऐसे ऐसे निकलने लगती डिस्प्रिन। तो इससे क्या लगता है? हाँ, ये पावरफुल टैबलेट है, इसको मैं पीऊंगा तो आई विल बी ओके, है ना। तो एफरवेसेंट का मतलब ये होता है कि जिसमें से बुलबुले निकले, या जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, इस तरीके के मिक्सचर्स को हम बोलते हैं एफरवेसेंट पाउडर। तो अब हमको कैसे डिफाइन करना है? एफरवेसेंट पाउडर आर द मिक्सचर्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड बेस। क्या है ये? एफरवेसेंट पाउडर आर द मिक्सचर्स। एक सिंगल कोई पाउडर एफरवेसेंट नहीं है। एफरवेसेंट पाउडर बनाते हैं हम इनको लैब में, या जो इनो है उसमें एक एफरवेसेंट फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एफरवेसेंट पाउडर क्या है, कौन कौन से होते हैं। तो एफरवेसेंट पाउडर क्या होते हैं? मिक्सचर्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड बेस। समझ में आ गया? ये ऑर्गेनिक एसिड एंड बेस का मिक्सचर होते हैं, दे फॉर्म दे रिलीज। अब ये क्या करते हैं? जो कि रिलीज करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर। जब वाटर के साथ में कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, या when they are added to the water they release carbon dioxide। effervescent powder क्या है? mixtures हैं acid के, organic acid और base के। कैसे? organic acid and base के, when they are added to the water they release carbon dioxide। इसको हम बोलते हैं effervescent powder। clear हुआ? what is effervescent powder? फिर से समझे, effervescent powder क्या होता है? these are the, मैं बोल रहा हूँ ना, मिक्सचर्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड बेस।
एफर्वेसेंट पाउडर आर द मिक्सचर्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड बेस व्हेन दे आर एडेड टू द वाटर. जब उनको वाटर में ऐड करते हैं तो द रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज द एफर्वेसेंट पाउडर. एग्जाम्पल्स क्या होता है इसमें? साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. ये पूछा जाता है एग्जाम में. तो एसिड क्या है इसमें? तो देखो, हमने ये बता दिया एफर्वेसेंट पाउडर क्या है. अब कॉम्पोजिशन क्या होता है ऐसा अलग से आपको बताना है. एग्जाम में जब आप इस तरीके से बताते हैं तो अच्छा प्रेजेंटेशन लगता है. कॉम्पोजिशन ऑफ एफर्वेसेंट पाउडर, एफर्वेसेंट पाउडर का क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है. तो इसमें एसिड क्या क्या होता है? जनरली साइट्रिक एसिड बहुत कॉमन है. आप इनो देखना या कोई डिस्प्रिन टैबलेट देखना तो उसमें ये कॉम्पोजिशन लिखा रहेगा. साइट्रिक एसिड एक, और दूसरा टार्ट्रिक एसिड. हम इसको बनाएंगे भी लैब में, साइट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड. और बेस में लिख लेना एल्कली में आपका सोडियम बाई कार्बोनेट. तो कभी भी कॉम्बिनेशन होगा तो उसमें एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन जरूरी है. ठीक, तो ये क्या होता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये इस तरीके से नाम लिख दिए जाते हैं. ये तीन नाम बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं और इसके अलावा अदर कॉम्बिनेशन भी पूछे जाते हैं. तो सही कॉम्बिनेशन क्या होगा आपका? साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट. आ रहा है समझ में? या तो ऐसा पूछ लिया जाता है कि अलग अलग इनके फॉर्म बनाए, या तो ऐसा पूछ लिया जाता है कि एफर्वेसेंट पाउडर को बनाने वाले कंपोनेंट क्या, कंपोनेंट कौन सा है? साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑल है ना? तो क्या बताना है? सभी. नहीं तो पता चले साइट्रिक एसिड में लगाए, कई टार्ट्रिक एसिड में, या तो है ना, कई लोग ऐसे भी होते हैं सी नंबर इंपॉर्टेंट होता है सी में लगा दें. कई लोग तो करते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो 80-90 पूरे 100 टार्ट्रिक एसिड. कईयों को देखा हमने ऐसे एग्जाम्स भी देते हैं, है ना, भगवान भरोसे. तो नहीं, तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करें थोड़ा सा. फिर इसके अलावा इनमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं? स्वीटनिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट ऐड कर सकते हैं. और क्या ऐड कर सकते हैं? मैं फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर सकते हैं. ये हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन का. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, यदि कोई एपीआई है तो उसको भी ऐड कर दो, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. कोई ड्रग हमको ऐड करनी है या कोई मेडिसिन बनानी है उसके साथ में. तो ये हो गया. अब ये हो गया एफर्वेसेंट पाउडर. क्या हो गया? पाउडर. एग्जाम में आ जाता है एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स करके भी. तो कोई नहीं, आप जब पाउडर्स को ग्रैन्यूलेशन की प्रोसेस से, पाउडर्स आर कन्वर्टेड टू द ग्रैन्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रैन्यूलेशन. किससे? पाउडर और ग्रैन्यूल्स में डिफरेंस क्या है? पाउडर्स जो होते हैं पॉलीडिस्पर्स होते हैं, पॉलीडिस्पर्स पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एक सा साइज नहीं होता उनका. जो पाउडर्स होते हैं, पाउडर्स का साइज क्या होता है? एक सा नहीं होता है. तो जिनका साइज एक सा नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीडिस्पर्स. क्या बोलते हैं? पॉलीडिस्पर्स. कई बार कई डेफिनेशन पढ़ोगे तो पाउडर्स लिख रहा था, पाउडर्स आर द पॉलीडिस्पर्स फेज. लो, पाउडर्स आर द पॉलीडिस्पर्स फेज. अब हमको पता ही नहीं, हम रट के चले गए. पाउडर्स आर द पॉलीडिस्पर्स फेज, पाउडर्स आर द पॉलीडिस्पर्स फेज, पाउडर आर द पॉलीडिस्पर्स फेज. ठीक है, एग्जाम में बैठे भूल गए. पाउडर्स आर द पॉलीमरिक फेज. लो, कुछ का कुछ बताने लगे. पॉलीडिस्पर्स मतलब उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें एक से साइज के पूरे नहीं होते हैं. तो पाउडर्स में एक सा साइज कैसे लाया जा सकता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रैन्यूलेशन, जिसको हम बोलते हैं मोनोडिस्पर्स. क्या बोलते हैं? मोनोडिस्पर्स. एक सा साइज, ऐसा डिस्पर्जन या ऐसा डिस्पर्स, ऐसा मिक्सचर जिसके पार्टिकल साइज एक से साइज के हैं, तो उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? ग्रैन्यूलेशन से. तो ग्रैन्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डिवाइडेड पार्टिकल्स टू फॉर्म द ग्रैन्यूल्स, टू कन्वर्ट पॉलीडिस्पर्स पार्टिकल्स इनटू द मोनोडिस्पर्स फेज. दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्रैन्यूलेशन. अब ग्रैन्यूलेशन भी अलग अलग टाइप की होती है. एक होता है इसमें वेट मेथड, और एक होता है इसमें ड्राई मेथड ऑफ ग्रैन्यूलेशन. क्या? देखो, अभी हमने क्या बताया, एफर्वेसेंट पाउडर क्या होते हैं, एफर्वेसेंट पाउडर का कॉम्पोजिशन क्या होता है बता दिया. अभी इनका हम यूज भी पढ़ेंगे एफर्वेसेंट का. और एफर्वेसेंट पाउडर या एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स क्या है, या आप एफर्वेसेंट पाउडर बनाओगे कैसे, या एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स कैसे बनाओगे? तो ग्रैन्यूल्स बनाने की कौन सी मेथड होती है?
और ड्राई मेथड। अब पाउडर्स कभी भी आप बताओ, कोई भी पाउडर की जब हम बनाते हैं तो पाउडर को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट जो होता है ना उसमें मिक्स किया जाता है। क्या पाउडर्स को कैसे मिक्स किया जाता है? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट, मतलब पहले जो सबसे कम वेट का होगा उस पाउडर को हम तौलेंगे, मिक्स करेंगे, फिर दूसरा पाउडर उसमें मिलाएंगे जो उससे थोड़ा सा ज़्यादा वेट का है, फिर उससे जो थोड़ा ज़्यादा वेट का है, सबसे आखिरी में जिसका सबसे ज़्यादा अमाउंट है उसको मिक्स करेंगे। इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर मिक्सिंग। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर मिक्सिंग। ये कॉमन है पाउडर के लिए, असेंडिंग ऑर्डर मिक्सिंग। और इसी को हम बोलते हैं जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, असेंडिंग ऑर्डर मिक्सिंग को। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर मिक्सिंग का ये एक टाइप है जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। उसको अलग से ही पूछ लिया गया आपको, उसको भी बताना पड़ेगा। तो वेट ग्रैन्यूलेशन में क्या होता है, समझ लें इस प्रोसेस को, कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी आपका पाउडर है जिसका कि आपको ग्रैन्यूल बनाना है, जो भी आपका पाउडर है, वन आपका क्या हो गया, पहला एक पाउडर। एग्जाम में कैसे बताना, जब आपको सेंटेंस नहीं बनते आपको वेट ग्रैन्यूलेशन मेथड बनाना है, तो पार्ट वन पाउडर, ठीक है ना, फॉर द ग्रैन्यूलेशन, पाउडर फॉर द ग्रैन्यूलेशन प्लस नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्यों, एक्वस ऐड कर देंगे तो मिक्सचर्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड बेस इन कॉन्टेक्ट विद वाटर रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, पहले ही रिलीज कर देगा, फिर टैबलेट डालेंगे तो कोई जादू नहीं दिखेगा, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको किस में ले लेते हैं, पाउडर नॉन एक्वस सॉल्वेंट में ले लेते हैं, जिससे कि उसका एक कोहरेंट मास बन जाए, है ना। कोहरेंट मास मतलब, कहने का मतलब पेस्ट जैसा मास उसका बन जाए, जैसा आटा होता है ना वैसा बन गया। अब इसको आप जब सीप से पास करेंगे, मान के चलो आपने इसको 8 नंबर की सीप से पास किया, 8 नंबर की सीप का मतलब मैंने आपको बताया था कि 1 स्क्वायर इंच में 8 पोर हैं, तो पूरे हर उसके एक स्क्वायर इंच कहीं का भी ले लें उसमें 8 नंबर ऑफ पोर्स 8 ही होंगे, उससे हम इसको पास करेंगे तो आप क्या होगा, आपके ग्रेन्यूल्स कैसे मिल जाएंगे आपको, मोनो डिस्पर्स साइज के ग्रेन्यूल्स मिल जाएंगे। अब इसको बाद में हम क्या करते हैं, इसको हम पेट्री डिश में लेके या किसी भी चीज में लेके इसको हम हीट कर लेते हैं। हीट भी कितना करना है, इट शुड नॉट बी मोर देन द 60 डिग्री सेल्सियस। हो गया ग्रैन्यूलेशन वेट मेथड से, क्यों, इसमें आप सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको आप क्या बोल रहे हैं, वेट मेथड। अब ग्रैन्यूलेशन आपको आने वाले सेमेस्टर्स में भी पढ़ना पड़ेगा, जब आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ोगे 5th सेमेस्टर में, तब भी ग्रैन्यूलेशन मेथड। और अभी समझ लिया तो ये बेसिक है, इसके आगे और डिटेल्ड आएगा, लेकिन बेसिक तो यही है ना, कि हम किसी भी पाउडर को वेट मेथड मतलब सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, लेकिन कैसा सॉल्वेंट है, नॉन एक्वस मतलब पानी नहीं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकते हैं। उसमें मिक्स किया तो उसमें मिक्स करने के बाद में वो उसमें डिसॉल्व तो नहीं होगा, जैसे आटा में पानी डालते हैं तो आटा घुल जाता है, क्या क्या होता है, वो ऐसा सिस्टम बन जाता है जिससे आप उसकी रोटी बना सकते हैं, बेसन है तो बूंदी बना सकते हैं। तो वैसे ये आपका पाउडर, ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट, दोनों को मिक्स किया तो वो पेस्ट लाइक या कोहेरेंट मास बना लिया उसने, उसको आपने सीप से पास किया, इसी प्रोसीजर को आपको एग्जाम में बताना है। देन द कोहेरेंट मास इज पास थ्रू द सीप नंबर 8 एंड वी गेट द मोनो डिस्पर्स फेज ऑफ द ग्रैन्यूल्स एंड देन ग्रैन्यूल्स आर ड्राइड टू द ओवन, ओवन में हम उसको ड्राई कर देते हैं, और ड्राइंग शुड बी बिलो 60 डिग्री सेल्सियस, जो पाउडर्स की ड्राइंग है वो 60 डिग्री सेल्सियस के नीचे होना चाहिए, नहीं तो पाउडर क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। हो गया ये वेट ग्रैन्यूलेशन। अब हम बात करते हैं ड्राई ग्रैन्यूलेशन में क्या होता है, ड्राई ग्रैन्यूलेशन को हम फ्यूजन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन मेथड। अब इसमें क्या करते हैं, हम वाटर बाथ ले लेते हैं, वाटर बाथ में पानी ऐड कर दिया और इसको गर्म होने दिया, हीट कर दिया इसको, हम क्या करेंगे, चाइना डिश लेंगे, क्या लेंगे, चाइना डिश या पोर्सलिन डिश जिसको हम बोलते हैं, वो देखी होगी ना आपने, कटोरी रहती चीनी मिट्टी की जो हाई टेम्परेचर में भी विथस्टैंड कर सकती है। तो जब हम इसमें जो भी आपका पाउडर है जिसको कि आपको ग्रैन्यूल बनाने हैं उसको आप इसमें ले लेते हैं, फर्स्ट पाउडर, पाउडर्स ऑल द पाउडर्स हम इसमें मिक्स कर देते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर, जिनके ग्रैन्यूल्स हमको बनाने हैं, पूरे पाउडर को असेंडिंग ऑर्डर में मिक्स करके हमने किस में ले लिया, चाइना डिश में। और एक हमने एक और काम क्या किया, हमने एक हीटिंग सिस्टम तैयार कर लिया। अब इसको क्या होने देंगे,
चायनेट इसमें डायरेक्ट नहीं लेना है यहाँ पर, सॉरी, इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से और अलग रखना है इसको, बीकर में या किसी पेपर में अलग से इसको रखना है। चायनेट इसको इसमें रख देना है। अब आपको रिएक्शन मिक्सचर इसमें नहीं है, उसका रीजन भी है। चायनेट इसको थोड़ी देर क्या करना है, आपको हीट होने देना है। हीट होने देंगे आप, तो जब आप हीट होने देंगे और इसके बाद में आपको फिर चायनेट इसमें जो रिएक्शन आपने मिक्सचर मिलाया पाउडर को उसको ऐड कर देना है। आफ्टर हीटिंग चायना डिस, तो चायना डिस क्या होगी जब आप इसमें ऐड कर रहे हैं पाउडर, तो पहले से चायना डिस क्या होगी, गरम होगी। तो पहले से जब गरम होगी तो जो आपका साइट्रिक एसिड है ये भी क्या होता है, एक तरीके का एफ्लोरोसेंट पाउडर है। साइट्रिक एसिड क्या है, एफ्लोरोसेंट पाउडर है। एफ्लोरोसेंट पाउडर की विशेषता क्या होती है, जब उसको हीट करते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या करता है, वो रिलीज कर देता है। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिलीज कर देगा तो क्या होगा, आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है वो कैसा बन जाएगा, डंप मास जैसा बना लेगा, वो बना लेगा ना। अलग से आपने कोई सॉल्वेंट तो ऐड नहीं किया ना, उसी का वाटर बाहर आया और उसी का ऐसा मिक्सचर बना लिया जिससे आप अब उसका क्या कर सकते हैं, उसको ग्रेन्यूल्स बना सकते हैं। इसमें भी हीटिंग शुड नॉट बी मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस, और आप जब इसको ड्राई करेंगे तब भी इसका जो है टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए। समझ में आया, इस प्रोसेस में क्या हुआ, हमने कोई अलग से सॉल्वेंट ऐड किया क्या, नहीं किया। ये ड्राई मेथड कहलाती है, इसको फ्यूजन मेथड भी बोलते हैं। हम पहले से एक वाटर बाथ में पानी को लेके हीट करते हैं, उसमें चायना डिस रख देते हैं फॉर शॉर्ट टाइम, जिससे कि नॉर्मल हीट हो जाए आपकी चायना डिस। उसके बाद में हम जो पाउडर हमने असेंडिंग ऑर्डर में मिक्स करके रखा हुआ है चायना डिस में ऐड कर देते हैं। चायना डिस में ऐड करने के बाद में वो वाटर जो वाटर क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है वो रिलीज हो जाता है, और जिससे आपका रिएक्शन एक डंप मास जैसे बन जाता है, कोहेरेंट मास जैसे बन जाता है। उसको आप प्रॉपरली मिक्स करते हैं, फिर रिएक्शन मिक्सचर को निकाल लेते हैं आप, उसको आप सीब नंबर से पास करते हैं, सीब नंबर 20 से पास कर देंगे तो आपको कैसे पाउडर्स मिल जाएंगे, ग्रेन्यूल्स मिल जाएंगे, एक से साइज के मिल जाएंगे। हो गई मेथड ऑफ ग्रेन्यूलेशन, बन गए पाउडर्स, पैक कर दो, रख दो। कठिन है क्या, है इजी, बस आपको मेथड और नाम याद होने चाहिए, क्या होने चाहिए। अच्छा, कई एक एग्जाम्स में एक बार पूछा गया था लॉस इन वेट इन ड्राई मेथड, मतलब जस्टिफाई लॉस इन वेट, क्या जब आप ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड करते हैं तो लॉस इन वेट इन ड्राई मेथड, ड्राई मेथड में वेट लॉस हो जाता है आपका जो ओवरऑल पाउडर होता है उसका, तो इसको जस्टिफाई करें इस आंसर को। अब और ये भी पूछा जाता है, हम पहले से पाउडर इसमें डाल के हीट क्यों नहीं करते रहते हैं, पाउडर पहले से भी तो डाल सकते हैं ना। यदि पहले से डाल देंगे तो क्या होगा, जो आपका मिक्सचर है वो धीरे धीरे हीट होगा, पानी धीरे धीरे रिलीज होगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी उड़ जाएगी उसी टाइम पर, एक ये प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन तुरंत में वो प्रोसेस होती है, तो तुरंत में वो प्रोसेस होने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवेपोरेट होती है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, और स्टार्टिंग में यदि हम करेंगे तो वाटर एवेपोरेट होने लगेगा पहले से ही। वाटर जो है धीरे धीरे हीट करेंगे तो एक रीजन क्या होगा, वाटर एवेपोरेट होने लगेगा, मतलब वेपर में कन्वर्ट होकर उड़ जाएगा। जब उसको वो उसका मास कैसा नहीं बनाएगा, डैम्प मास, या उसका जो मास है कोहेरेंट टाइप का नहीं बनाएगा, आटे टाइप का नहीं बनाएगा। यदि उसको पहले से ही ऐड कर देंगे, जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया कि इसको हम पहले से क्यों नहीं ऐड कर रहे, तो रीजन ये है वो वाटर लिबरेट कर देगा स्टार्टिंग में और वाटर एवेपोरेट हो जाएगा एकदम से, एवेपोरेट हो जाएगा तो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी, एक ये रीजन है। ठीक, और लॉस इन वेट क्यों होता है, दूसरा कारण, दूसरा आपको जस्टिफिकेशन देना है कि जैसे वाटर लिबरेट होता है कुछ अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो कुछ अमाउंट ऑफ ओवरऑल सॉल्ट जो बन रहा है आपका, एफर्वेसेंट पाउडर ग्रेन्यूल बन रहे हैं, वो क्या होगा, वेट उसका लॉस हो जाएगा। तो दैट इज लॉस इन वेट इन ड्राई ग्रेन्यूलेशन मेथड। आया समझ में, ये थोड़ा सा अभी नहीं पूछा जाएगा लेकिन पूछा जा सकता है, पता होने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको ये सब इतना डिटेलिंग नहीं देनी है, जस्ट मैं आपको नॉलेज भी ठीक है, पता होना चाहिए बस। तो मेथड समझ में आई, एफर्वेसेंट पाउडर क्या होते हैं, व्हेन दे आर एडेड टू द वाटर दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़िया बीकर बना दो, पाउडर ऐड करो, कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले दिखा दो, डायग्राम से भी तो रिप्रेजेंट करना है ना हमको एग्जाम में। बताएंगे ना उसके लिए भी,
अलग से क्लास में बताएंगे कि उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। यही चीजें ध्यान रखनी होती है जो मैंने आपको बताया ना, साइड हेडिंग्स और जो बीच बीच में बताते रहते कैसे आंसर्स को बड़ा करना है और कैसे, जैसे एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल एफर्वेसेंट पाउडर पूछा गया, तो बस हम एफर्वेसेंट पाउडर को थिंकिंग सीमित रखेंगे तो हम ज्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन एफर्वेसेंट पाउडर कॉम्पोजिशन मैथड ऑफ ग्रैन्यूलेशन ऑफ एफर्वेसेंट पाउडर ये भी बता दिया हमने। फिर एक और चीज लिखना है इसमें, यूज ऑफ एफर्वेसेंट पाउडर। एफर्वेसेंट पाउडर का यूज क्या है, यूज ऑफ एफर्वेसेंट पाउडर। फर्स्ट लिखना मास्क बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटेड जो वाटर रहता है कार्बोनेटेड, वो बिटर टेस्ट को मास्क कर देता है मतलब दबा देता है। सेकंड लिखना जो पेशेंट होते हैं उसके दिमाग में एक पॉजिटिव साइकोलॉजी को डेवलप करता है, इस तरीके का जो सेगमेंट होता है मेडिसिन का क्या करता है, डेवलप पॉजिटिव साइकोलॉजी इन द माइंड ऑफ पेशेंट, डेवलप पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी मतलब हाँ यार ये ड्रग जो है दवाई पावरफुल होगी, ठीक हो जाऊंगा मैं इसको पीने से, जैसे ईनो को पानी में डालो तो बुलबुले और पियो तो हाँ ठीक लग रहा है अभी, यस yes, ऐसा लगता है कि ये जाके अब एसिड को ठीक कर देगा, एसिडिटी को या प्रॉब्लम को। फिर इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करता है इस तरीके का सिस्टम एफर्वेसेंट पाउडर। एंड इट इज सुइटेबल फॉर द पेडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक पेशेंट्स बिकॉज उनको टैबलेट में प्रॉब्लम जाती है। ठीक, जेरियाट्रिक ऐसा भी लिख सकते हैं, गुड फॉर एल्डर एंड चाइल्ड, बच्चों के लिए और एल्डर पेशेंट के लिए इस तरीके का फॉर्मेट अच्छा होता है। अब इसमें कई बार आपको पूछ लिया जाएगा एफर्वेसेंट टैबलेट क्या है, पूरा सिस्टम वही है, बस यदि हमने एफर्वेसेंट पाउडर को या ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस कर दिया तो ये क्या है टैबलेट, कंप्रेस्ड पाउडर। टैबलेट को हम एक और क्या बोल सकते हैं, कंप्रेस्ड पाउडर। टैबलेट क्या है एक तरीके का, कंप्रेस्ड पाउडर। हीट कितना ज्यादा हमको करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए, हाँ आखिरी स्टेप है जब आप हीटिंग करते हैं पाउडर्स को। समझ में आया अच्छे से। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका यूटेक्टिक मिक्सचर्स, क्या है यूटेक्टिक मिक्सचर्स, एक मिनट।